नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के लिए बिगुल फूंक चुका है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जबकि नवम्बर महीने में इन दोनों सीटों पर काउंटिंग का भी नतीजे की घोषणा जो है कर दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग करवाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार कुशेश्वर स्थान सीट और तारापुर पर होने वाले मतदान का परिणाम 2 नवम्बर को आएगा। इन सीटों के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक नामांकन करा सकते हैं। साथ ही साथ 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, उसके बाद 16 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम जो है वापस ले सकते हैं। साथ ही साथ 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, इसके बाद 2 नवंबर को जो है चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी और 5 नवंबर से पहले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी कि 5 नवंबर से पहले जो है उन्हें शपथ पत्र करवा दिया जाएगा। बिहार में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव पहले ही इन दोनों सीटों पर जीत का दावा ठोक चुके हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव पिछले दिनों बाढ़ का जायजा लेने जब कुशेश्वर स्थान गए तो वहां पूजा अर्चना भी की थी। कुशेश्वर स्थान को विकसित करने की भी बात उन्होंने कही थी। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार जब कुशेश्वर स्थान गए तो उन्होंने भी पूजा अर्चना की। हालांकि अब आने वाले दिनों में यह पता चल पाएगा कि कुशेश्वर स्थान की जनता को आने वाले दिनों में बाढ़ से कितना निजात मिलता है। फिलहाल महागठबंधन में रार के बाद से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि एनडीए को जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चुनाव मैदान में जदयू राजद कांग्रेस के साथ ही जाप और चिराग पासवान की पार्टी भी चुनाव मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने पहले कांग्रेस के समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। पप्पू यादव जब बाहर आए थे तब उसके बाद कांग्रेस की तरफ से उन्हें तारापुर सीट ऑफर के रूप में दिया गया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लेने की बात कही थी, जिसके बाद से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में अब देखना है कि जनता का साथ किस पार्टी को मिलता है। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर इससे पहले जदयू के उम्मीदवार थे और इनके निधन यानी कि कोरोना काल में इनका निधन हो गया था, जिसके बाद से उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में एक तरह से यह कहा जा रहा है कि सीधा मुकाबला जदयू का विपक्षी पार्टियों की तरफ से है। विपक्ष के बट जाने के बाद से एनडीए के नेता इसे आसान जीत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इसका फैसला 2 नवम्बर को होगा कि जनता ने किसे सबसे ज़्यादा मत देकर अपना जनप्रतिनिधि चुना है। इसके लिए हम सभी को 2 नवम्बर तक का इंतजार करना होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।